नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरार पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को मनोविज्ञान की यानी फ्रेंड्स बीए फर्स्ट ईयर की मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट वीडियो मैंने आप सभी को अपलोड करा दिया है। इसमें फ्रेंड्स मेरा ये यानी कि मनोविज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। इसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट वीडियो में 64 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स आज मेरा 58वां नंबर क्वेश्चन है। यहीं से फ्रेंड्स मैं आज अपना सेकेंड वीडियो स्टार्ट करूंगा। मैंने फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ कि मैं फ्रेंड्स कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करा पाऊँ। फ्रेंड्स मैं जैसा कि मैं रीचेक करते हुए चलता भी रहता हूँ। यदि आप सभी को यह वीडियो अभी से ही अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि मैं अच्छे अच्छे बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन और डाउट क्लियर करने वाले मैं जितने को भी क्वेश्चन होता है इसे अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? फ्रेंड्स ये परिभाषा किसने दी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने डेविस ने, सेकंड आपने वुडवर्थ ने, थर्ड आपने बी एन झा ने एंड फोर्थ आपने स्किनर ने। तो फ्रेंड्स ये किसने की है? तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पर रीचेक कर रहा हूँ कि स्किनर ने की है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन है? तो इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने प्रयोगात्मक विधि, सेकंड आपने विकासात्मक विधि, थर्ड आपने व्यक्ति इतिहास विधि एंड फोर्थ आपने अंतःदर्शन विधि। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंतःदर्शन विधि। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, यानी फ्रेंड्स इसका मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, सेकंड आपने शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, थर्ड आपने शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है एंड फोर्थ आपने उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यानी फ्रेंड्स जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है या कथन किसका है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट आपने जेम्स का, सेकंड आपने वाटसन का, थर्ड आपने रेवनी का एंड फोर्थ आपने उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वाटसन जी का ये कथन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है, यानी फ्रेंड्स वर्तमान समय में मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है व्यवहार का अध्ययन, सेकंड आपन है मन का व्यवहार, सॉरी इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है व्यवहार का अध्ययन, सेकंड आपन है मन का अध्ययन, थर्ड आपन है शरीर का अध्ययन एंड फोर्थ आपन है आत्मा का अध्ययन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यवहार का अध्ययन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है मन, सेकंड व्यवहार, थर्ड आत्मा एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यवहार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाह वातावरण के अंतर्गत कौन सी परिस्थिति आती है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है भौतिक, सेकंड सामाजिक, थर्ड सांस्कृतिक एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह बात सही है? यानी फ्रेंड्स ये किसने कहा है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हरा, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड ऑप्शन है स्टैनले हॉल एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्टैनले हॉल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार का विकास किस पर निर्भर करता है, यानी फ्रेंड्स जो मानव व्यवहार का विकास है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिक पर, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण पर, थर्ड ऑप्शन है एम बी दोनों पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एम बी दोनों में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि पर, सेकंड ऑप्शन है विकास पर, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वन पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी, यानी फ्रेंड्स बालक का जो सामाजिकरण करने की जो सबसे पहली संस्था है वो कौन सी है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है घर एवं परिवार, सेकंड ऑप्शन है मंदिर, थर्ड ऑप्शन है पासपोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घर एवं परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, यानी फ्रेंड्स जो व्यक्तियों के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, यह बात कही, यानी फ्रेंड्स ये बात किसने कही? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोरिंग ने, सेकंड ऑप्शन है स्किनर ने, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ ने एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वुडवर्थ ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1935 में, सेकंड ऑप्शन है 1916 में, थर्ड ऑप्शन है 1937 में एंड फोर्थ 1974 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1916 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की परिभाषा प्रारंभ होती है, यानी फ्रेंड्स कब प्रारंभ होती है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मन से, सेकंड ऑप्शन है आत्मा, फिर थर्ड ऑप्शन है चेतना से एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आत्मा से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन
कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत, यानी फ्रेंड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने वाद विवाद का अध्ययन, सेकंड आपने शिक्षा नीति का अध्ययन, थर्ड आपने सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन, एंड फोर्थ आपने शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने इंद्रियों का, सेकंड आपने चेतना का, थर्ड आपने व्यवहार का, एंड फोर्थ आपने मस्तिष्क का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंद्रियों का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है जलोटा का, सेकंड आपन है क्रो एंड क्रू का, थर्ड आपन है जेम्स का, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जलोटा का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन प्रदान करता है, यानी फ्रेंड्स जो मनोविज्ञान है उसकी विषय वस्तु कौन प्रदान करता है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है विषय विशेषज्ञ, सेकंड आपन निरीक्षक, थर्ड आपन है मनोवैज्ञानिक, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है हल, सेकंड आपन है थार्नडाइक, थर्ड आपन है किलपैट्रिक, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किलपैट्रिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने मनुष्य को माना है, यानी फ्रेंड्स क्या माना है? तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इसका फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है बुद्धिमान पुरुष, सेकंड आपन है विषयी, थर्ड आपन है जीवधारी, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विषयी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन संभव, यानी फ्रेंड्स कब संभव? तो इसके फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है शासक द्वारा, सेकंड आपन है भाषा द्वारा, थर्ड आपन है शिक्षा द्वारा, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिक्षा द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है किसने कहा? यानी फ्रेंड्स जो अंतर निरीक्षण विधि है अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है किसने कहा? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है बीएन झा, सेकंड आपन है स्किनर, थर्ड आपन है स्टाउट, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्किनर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी फ्रेंड्स किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है पियाजे जी ने, सेकंड आपन है लाजा रस जी ने, थर्ड आपन है टोलमैन जी ने, एंड फोर्थ आपन है कोहलर जी ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पियाजे जी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण में सहायक होता है, यानी फ्रेंड्स क्या सहायक होता है? तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है सहानुभूति, सेकंड आपन है संसूचन, थर्ड आपन है तदात्मिकरण, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख है, यानी फ्रेंड्स क्या है? तो इसमें फ्रेंड्स तत्व है कि सिद्धांत है कि पक्ष है कि उपयुक्त सभी है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है बच्चा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के विचार पे छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है 5 वर्ष की आयु की बात, सेकंड आपन है 3 वर्ष की आयु की बात, थर्ड आपन है 6 वर्ष की आयु की बात, यानी इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला यानी कि फोर्थ आपन है क्यूपिक में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 वर्ष के बाद है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स भारत में इसे मान्यता भी दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा एक क्या है? तो इसके फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है वैज्ञानिक विचारधारा है, सेकंड आपन है मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, थर्ड आपन है स्वाभाविक विचारधारा है, एंड फोर्थ आपन है भौतिकवादी होता है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी फ्रेंड्स कौन सा अध्ययन है इसमें? फ्रेंड्स तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है बालक, सेकंड आपन किशोर, थर्ड आपन है शिक्षक, एंड फोर्थ आपन है युवा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बालक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक शताब्दी कहा है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है फ्रायड ने, सेकंड आपन है जुंग ने, थर्ड आपन है मैकडूगल ने, एंड फोर्थ आपन है क्रो एंड क्रो ने। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्रो एंड क्रो ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेनले हाल ने विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना है? यानी फ्रेंड्स इन्होंने स्टेनले जी ने एक शब्द एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो किशोरा अवस्था है वो तूफानी अवस्था है, यानी फ्रेंड्स एक तूफान की अवस्था है। इसमें फ्रेंड्स जो किशोरावस्था के आदमी होते हैं वो जो मानव होता है वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं इस समय क्या करूं, यानी कि फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा तूफानी अवस्था होती है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पौड़ावस्था, सेकंड आपन है बाल्यावस्था, थर्ड आपन है किशोरावस्था, एंड फोर्थ आपन है शेषावस्था। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया था? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है 15, सेकंड आपन है 25, थर्ड आपन 40, एंड फोर्थ 65। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 25। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है क्या प्रयुक्त होती है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपन है प्रश्नावली विद, सेकंड आपन है साक्षात्कार विद, थर्ड आपन है समाजमित विद, एंड फोर्थ आपन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समाजमित विद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, यानी फ्रेंड्स अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मनोविश्लेषण द्वारा, सेकंड आपने अंतरंग विद द्वारा, थर्ड आपने बहिरंग विद द्वारा, एंड फोर्थ आपने निरीक्षण विद द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनोविश्लेषण द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित करने वाली तथा सामाजिक प्रवृत्तियों की धनी वाली व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अंतर्मुखी, सेकंड आसन है बहिर्मुखी, थर्ड आपने संतुलित, एंड फोर्थ आपने उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बहिर्मुखी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, यानी फ्रेंड्स किसका निर्माण किया था? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रश्नावली का, सेकंड आपने साक्षात्कार का, थर्ड आपने निर्धारण मापनी का, एंड फोर्थ आपने उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रश्नावली का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तु के उत्पादन से है या विचार है। तो इसमें फ्रेंड्स यह विचार किसका? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टेगनर का, सेकंड ऑप्शन है स्किनर का, थर्ड ऑप्शन है थर्स्टन का, एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्टेगनर का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की कौन सी योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना या उत्पादन करता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्मृति, सेकंड बुद्धि, थर्ड सृजनात्मकता, एंड फोर्थ है उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है सृजनात्मकता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्मृति में शामिल नहीं है, यानी फ्रेंड्स क्या शामिल नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पहचान, सेकंड ऑप्शन है अधिगम, थर्ड ऑप्शन है पुनर्बलन, एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल्यांकन। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुनर्बलन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता के संबंध में किस वैज्ञानिक ने अपने विचार दिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोरिंग ने, सेकंड ऑप्शन है लैंगफील्ड ने, थर्ड ऑप्शन है वेल्ड ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साक्षात्कार विद, सेकंड ऑप्शन है निरीक्षण विद, थर्ड ऑप्शन है प्रयोगात्मक विद, एंड फोर्थ ऑप्शन है सैद्धांतिक विद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है साक्षात्कार विद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विद है, यानी फ्रेंड्स कौन सी इसकी मनोवैज्ञानिक विद है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेटिंग स्केल, सेकंड ऑप्शन है केस स्टडी, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नावली, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रायोगिक। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केस स्टडी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए किसके जन्मदाता कौन है? तो इसके फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉड, सेकंड ऑप्शन है लेजर, थर्ड ऑप्शन है इसका स्टाउट, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉड। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन है, यानी कि फ्रेंड्स इसकी फर्स्ट विशेष, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है मानव बाल मनोविज्ञान पर बल, सेकंड ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का आदर, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसकी सभी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी फ्रेंड्स उपयुक्त सभी विशेषताएं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मुख्यतः व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यवहार का अर्थ व्यापक है, इसमें अनुभव, चिंतन तथा अन्य प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन व्यवहारों को आंतरिक व्यवहार कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मन, सेकंड ऑप्शन है रेथस, थर्ड ऑप्शन है उड़वत, एंड फोर्थ ऑप्शन है केनन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रेक्षणीय व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा है, तो फ्रेंड्स यह परिभाषा किसकी है? तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थार्नडाइक, सेकंड ऑप्शन है जूड, थर्ड ऑप्शन है टर्मन, एंड फोर्थ ऑप्शन है रेथस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेथस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि में निरीक्षण होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों का, सेकंड ऑप्शन है पशुओं का, थर्ड ऑप्शन है अपना, एंड फोर्थ ऑप्शन है उनका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अपना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवीन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स अपसारी चिंतन में, सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकनात्मक चिंतन में, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन में, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिंतन के साधन में चिंतन के साधन में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिमा को, सेकंड ऑप्शन है भाषा को, थर्ड ऑप्शन है उत्प्रत्यय को, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रयत्न एवं त्रुटि को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रयोगशाला उपयोग की जाती है, सेकंड ऑप्शन है इसमें उपकरण उपयोग किए जाते हैं, थर्ड ऑप्शन है इसमें प्रयोज्य की रूप में जानवरों का उपयोग किया जाता है, एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें पूर्व कथन की संभावना होती है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इसमें प्रयोज्य के रूप में जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो फ्रेंड्स जो तीन क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने अब जा रहा हूँ ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप इसे फोकस करके कहीं भी पॉइंट में नोट कर लीजिए।
सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इसमें प्रयोज के रूप में जानवरों का उपयोग किया जाता है, ये राइट आंसर नहीं है इसका। फ्रेंड्स, राइट आंसर है कि इसमें पूर्व कथन की संभावना होती है, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए कि मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसमें पूर्व कथन की संभावना होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरों के प्रहसन, यानी फ्रेंड्स चरों के प्रहसन प्रस्तन किया जाता है, यानी फ्रेंड्स जो चरों का प्रस्तन किया जाता है, इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आत्म प्रतिवेदन विधि में, सेकंड ऑप्शन है प्रायोगिक विधि में, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नावली विधि में, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र अध्ययन में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्षेत्र अध्ययन में, ये फ्रेंड्स नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स ने, सेकंड ऑप्शन है विलियम मैकडूगल ने, थर्ड ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन ने, एंड फोर्थ ऑप्शन है विलियम उंट ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विलियम उंट ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्नोद के लिए एक पुनर्बलन के रूप में क्या कार्य करता है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरक, सेकंड ऑप्शन है प्रोत्साहन, थर्ड ऑप्शन है आवश्यकताएं, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वात। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रोत्साहन। इसके बाद फ्रेंड्स यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देन फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वीडियो समझ भी आ गया होगा, या फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।